करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे पास तो भाई सिर्फ रोकता है। सबसे ज्यादा मायूस कुल बात है, because he's a privatization minister, उनको अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पता। Then it becomes your baby, your responsibility के उसको ठीक भी आपने करना है। हमारी जो मिनिमम बोली है, अगर वो आज उसको पूरा कर लेते तो वो बिल्कुल ले सकते। नंबर टू ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये आप जिसके हाथ दे रहे हैं उसके पास बैकग्राउंड, जो ओनली बिडर थे उनको तो प्री क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था। अगर सारी हुकूमतें वो अपना अपना शेयर खरीद ले इसमें। भाई प्राइवेटाइजेशन का तो मतलब ये होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर को देते हैं वो जिनके पास एहलियत हो चलाने की, हुकूमत के पास नहीं होती है। मार्केट ने साबित कर दिया है कि उनकी एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है। जब आपको 5-6 लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया और सिर्फ एक ने बोली दी और वो भी 10 अरब की दी, इसका मतलब ये है कि मार्केट 85 अरब की कीमत को कबूल नहीं करती। ये 10 अरब भी बहुत ज्यादा कीमत थी, तो अगर 10 अरब की कीमत हुकूमत मान ले तो मेरे ख्याल उनके लिए बेहतर होगा। जितने भी और बोली देने वाले थे उनकी जो कारोबारी हैसियत है, जो आखिरी जिनको इकलौती बोली जिनसे ली गई उनसे बहुत बेहतर था। अगर एक ही बिडर बाकी रह गया था और वो बिडर भी ऐसा था जिस बिडर का हवाबाजी की इंडस्ट्री का कोई तजुर्बा नहीं था, तो फिर ये बिडिंग प्रोसेस कराने की क्या जरूरत। इससे पाकिस्तान में निजकारी के सारे अमल को नुकसान पहुंचा। शायद इनकी नीयत नहीं थी बेचने की, क्योंकि जो मुश्किल फैसले हुकूमत को करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए या फैसले करने से डर रहे थे। SIFC इसमें एक रोल प्ले करे, वो अगर इन चार पार्टी जो के चले गई थी उनसे पूछे कि भाई क्या आपके मसाइल थे और उन मसलों को हल करे। मैं अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊंगा, मैं आपके पास प्रोग्राम लेके आऊंगा सरमायाकारी के लिए। वेलकम टू न्यूज वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत की। मईशत के हवाले से सबसे अहम खबर तो यही है कि IMF का जो वफ्द है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और मुज़ाकरात का आज गालबन दूसरा दिन है। बहुत से इश्यूज़ हैं जिनकी निशानदेही भी हुई है, मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर IMF इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत से जो है वो बात कर रहा है या कर रहा होगा। इसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो टैक्स रेवेन्यू का ही मामला है। अब टारगेट्स जो हैं वो हुकूमत ने मिस किए हैं इस हवाले से, पिछले दिनों में ख़बरें भी बहुत सामने आईं। और दूसरा इस मिस्ड टैक्स रेवेन्यूज़ में ही जो दूसरा अहम इशू है वो ये है कि जो ताजरों के ऊपर टैक्स लगाना था और उस हवाले से हुकूमत ने क्या पेशरफ्त की है। जो ताजर दोस्त स्कीम भी लॉन्च की थी वो अगर मीडिया रिपोर्ट्स आप देखें तो लगता है कि कोई ख़ास कामयाब नहीं हुई। और दूसरा बिजली की कीमतों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि IMF का वफ्द जो है वो गुफ्तगू कर रहा है, उनको बहुत से यहाँ भी खदशात हैं, ख़ास तौर पे जो सोलराइजेशन हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। बहुत लंबा एक प्रोसेस चला इसकी प्राइवेटाइजेशन का, तकरीबन जो PDM की हुकूमत 2022 में आई थी उस वक्त से हमें बताया गया कि उस पर काम हो रहा है। निगरा हुकूमत में भी ये सारी मसले रहे और उस पर काम होता रहा, मगर आज कुछ दिन पहले ही ये पता चला कि आखिर में जब बिड हुई इस पर तो वो एक ही कंपनी रह गई थी और उसका भी कोई तजुर्बा नहीं था इस सारे मामले पे। इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ताह साहब, साबिक वजीर ख़जाना पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ताह साहब, सबसे पहले अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लें कि जो IMF का वफ्द है, कुछ सर इस तरह की भी गुफ्तगू आ रही थी पिछले दिनों में कि ये वफ्द जो है इट्स कम इन एडवांस टू पाकिस्तान, इस वक्त शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी इनके आने की, अभी वक्त नहीं था, बट ये स्केड्यूल से पहले आ गया। सर ये हमें ज़रा बात समझाएं, व्हाट इज़ रियली द इशू एट हैंड, क्या सचमुच वो वक्त से पहले आए हैं एंड डज दिस हैव एनीथिंग टू डू विद द मिस टारगेट्स। देखिए जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स तो आ गए हैं, तो उसके रिजल्ट्स पे वो बात करने आए हैं गालिबन, लेकिन मेरे ख्याल से उनके एजेंडे में ये नहीं होगा कि जो पिछला रिजल्ट पहले क्वार्टर का आया है जिसमें हमने टारगेट्स मिस किए हैं उसी की बात करें, बल्कि जो और गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के वादे किए हुए थे, मिसाल के तौर पर ज़रात के ऊपर टैक्स लगाना, मिसाल के तौर पर NFC नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाना, कुछ अखराजात वफाक से सूबों को ट्रांसफ़र कर देना, कुछ सूबों के सरप्लसेस करना, वो कोई चीज़ें जो हैं उस पर कोई मुस्बत काम नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से उसके बारे में भी ये बात कर रहे हैं।
बिल्कुल सही सर. अब ऑब्वियसली जो आज अखबारात में खबरें आईं तो दो इश्यूज मुख्तलिफ स्टोरीज में हाईलाइट हुए. पहला तो यही मिस टारगेट्स के हवाले से था और टू दिस एक्सटेंट के कहानी में ये भी कहा गया कि अब हुकूमत के पास दो ही ऑप्शंस हैं जो गालिबन उनको आईएमएफ भी देगी कि एक या तो टैक्स को और बढ़ा दे विच मीन्स के मिनी बजट जिसको बार बार जब हुकूमत से पूछा गया वो तो इसकी तरतीद करते रहे और दूसरा ये कि खर्चे कम हो जाएं. मगर एक तरफ कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये भी ख्याल है कि अभी इतना जितना भी मिस हुआ है टारगेट वो शायद नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं कि इमीडिएटली एक मिनी बजट की ज़रूरत हो. सर आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए जो एफबीआर बात करती है वो कहती है कि दो बड़ी वजहों से टारगेट मिस हुए हैं. एक तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास मुल्क में दरामदात कम हुई है, इंपोर्ट जो उनका टारगेट था जो इन्होंने तसव्वुर किया था इस क्वार्टर में जो इंपोर्ट्स होंगे जो दरामदात होंगे उससे कम हुए हैं तो उसकी वजह से इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज कम मिली हैं और इसकी वजह ये बताई जाती है कि मईशत बहुत स्लो चल रही है विच इज़ ट्रू. दूसरी उन्होंने बात यह की है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, अफरात ज़र कम हुआ है इसलिए शायद हम इतने पैसे नहीं जमा कर सके. तो उसका जवाब आईएमएफ शायद यूं देगा या देता होगा कि अगर आपका इन्फ्लेशन कम हुआ है और आपके टैक्स रेवेन्यूज कम हुए हैं तो फिर आपके अखराजात भी कम होने चाहिए. अगर आप 22% आपने जारी अखराजात बढ़ाए हैं और 64% आपने PSDP बढ़ाया है और अब अगर आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन आधा हो गया है तो फिर अखराजात के अंदर भी थोड़ी सी कमी लेके आइए, आधी ना करें लेकिन कम से कम कमी लेकर आएं. अब ये हुकूमत के ऊपर है कि वो मजीद आवाम के ऊपर बोझ डालना चाहती है या कुछ एक्सपेंसेस कट करे. मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी इस सूरत हाल में आप मजीद मिनी बजट में और टैक्स तो लगा सकते हैं और लोगों को हार्डशिप में डाल सकते हैं, तकलीफ में, मुश्किलात में और डाल सकते हैं लेकिन इससे पैसे नहीं आएंगे, इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा. हमने इस बार भी देख लिया कि जो इन्होंने बड़े एम्बिशियस टैक्स टारगेट्स करे थे तो रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं आया और फिर अगर ये और टैक्स लगा देंगे. देखें मैम के ये बच्चों के दूध पे या दूध पे टैक्स लगा चुके हैं, ये कपड़ों पे टैक्स लगा चुके हैं, ये स्टेशनरी पे टैक्स लगा चुके हैं, ये हर ज़रूरत ज़िंदगी पे टैक्स लगा चुके हैं, साबुन, शैम्पू, हर चीज़ पे. अब कोई चीज़ बची नहीं है कि जिस पे ये टैक्स लगा सकें तो ये कितना निचोड़ेंगे गरीब का इन्वेस्ट करना है. जी सर ट्रेडर्स है ना मैम, ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद गुनाह तसव्वुर किया जाता है तो ज़रात के ऊपर और ट्रेडर्स के ऊपर. तो इसीलिए हमने देखा है कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमने टैक्स नहीं लगाया. आप नौकरी पेशा हैं 50,000 रुपये की, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स है लेकिन अगर आपके पास 1,000 एकड़ की ज़रई अराजी है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है. इसी तरह अगर आपके पास बड़ी दुकान है तो मिनिमम टैक्स आपके ऊपर अब 100 रुपये कर दिया है. जी सर तो यही तो पूछ रही हूँ कि अब अगर यू नो टारगेट्स भी जो हैं वो मिस हो गए हैं, रेवेन्यू इकट्ठा भी नहीं हुआ, आईएमएफ को शिकायत भी है क्योंकि मिनी बजट की बात हो रही है, मगर दोनों इश्यूज कॉन्स्टेंटली हाईलाइट होते रहे हैं कि ताजर दो स्कीम कामयाब नहीं रही, उसमें कोई रद्दोबदल करने की हुकूमत की दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर टैक्स को कमिटमेंट गालबन करके उसमें ताखीर कर दी गई है. विल दीज इश्यूज कम अप विद आईएमएफ या वही वाली बात के वो तो सिर्फ नंबर्स देते हैं आगे जैसे मर्जी हुकूमत उनको पूरा करे, आईएमएफ को दिलचस्पी नहीं है कि लोगों के ऊपर बोझ बढ़ा है या यू नो टैक्स नेट वाइडन हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक विल बी द डिस्कशन? देखिए आईएमएफ ने आपको एक टारगेट दिया हुआ है और आपने कुछ तरीक़ेकार बताए थे कि हम एग्रीकल्चर से भी लेकर आएंगे, हम दुकानदारों से भी लेकर आएंगे, वो आप फेल हो चुके हैं तो आईएमएफ आपको पुश करेगा उसके बाद. लेकिन इन दी एंड आईएमएफ का जो मसला है वो रेवेन्यू नंबर जमा करना है और ये हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर होता है कि वो देखे कि लोग कितने पिस चुके हैं और इनको थोड़ा सा इसके अंदर एक्विटी लेकर आएँ कि सिर्फ एक मखसूस मिडिल क्लास 9-10% पाकिस्तानी तनख्वाहदार के ऊपर या छोटे ताजिर के ऊपर जो 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 इम्पोर्टर है जो टैक्स भरता है उसके ऊपर टैक्स ना लगाएं, इसको ज़रा सा वाइड स्प्रेड करें. अगर हुकूमत पाकिस्तान वो नहीं करेगी तो इन दी एंड तो आईएमएफ यही कहेगी आपको कि भाई आप कम से कम पैसे का टारगेट पूरा कर दें. अब ये हुकूमत जो है इसने आज तक कोई इस्लाहत नहीं करी है, जो अपने 8 महीने के अंदर आपने देख चुकी है कि कोई एक पैसे का इन्होंने काम नहीं करा है माँ सिवाय अपनी कुर्सी बचाने के. सो आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू द राइट थिंग.
हालांकि ये बात दुरुस्त है, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं कि ये ताजिर दोस्त स्कीम फेल नहीं हुई, स्कीम ठीक थी, स्कीम के अंदर कुछ रद्दोबदल आप कर सकते थे, कुछ इसमें कुछ गलतियां थी, लेकिन जो हुकूमत ने सियासी फैसला करवाया उसके बाद स्कीम को फैसला करवाया, खत्म करवाई है हुकूमत ने, ये बैकडोर से करवाया, अदरवाइज स्कीम वाज फाइन द वे इट वाज कंसीव, थोड़े से विद सम एडजस्टमेंट्स। और सर बिजली के हवाले से भी बात हो रही है, एक आध मीडिया रिपोर्ट में था सोलराइजेशन के हवाले से, बट ऑब्वियसली सर्कुलर डेट का भी एक दफे हमेशा मामला रहता है। पिछले दिनों में हुकूमत ने हमें ये भी बता दिया कि वो अब एक फ्री मार्केट क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, विल दैट कम अंडर डिस्कशन? और दूसरा सर ये बताएं कि ये कितना आसान होगा टू क्रिएट दिस फ्री मार्केट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के मैं भी अपनी मर्जी से खरीदूं और जो कोई आईपीपी ओनर है वो भी यू नो हर किसी को बेचे इंस्टेड ऑफ जस्ट द गवर्नमेंट, इज इट दैट इजी? इट्स नॉट इजी, किसी 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 हुकूमत के लिए भी आसान नहीं है, इस हुकूमत के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इस हुकूमत की कोई नीयत ही नहीं है निजकारी करने की या रिफॉर्म्स करने की, ये सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली हुकूमत है, ये सिर्फ बातें करेंगे, ये नहीं बेचेंगे, बिल्कुल एक भी निजकारी नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे ये बात करना कि ये बिजली के अंदर रिफॉर्म लाएंगे, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिजली के अंदर 50% रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं लेकिन एक पैसे का रिफॉर्म नहीं लेकर आए, और ये किसी के ऊपर मतलब कभी आईपीपीस के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया, कभी किसके ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया, लेकिन सच्ची बात यह है कि हुकूमत की अपनी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत गलती कर रहे हैं वो लोग, और महंगी बिजली बेच रहे हैं लोगों के पास, और बहुत सारे तजाद हैं। इस वक्त भी सोलर को ड्यूटी फ्री लाने दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास सोलर से जाके ग्रिड से निकल जाएं, और गरीब लोगों के ऊपर जो है वो फिर और मुश्किल आ रही है। सो मतलब हुकूमत की पॉलिसीज़ में तजाद हैं, अगर वो ज़रा सा डरना छोड़ दें अपर मिडिल क्लास से और थोड़ा सा एनरिच लोगों से, और थोड़ा सा अगर ये सोलर के ऊपर थोड़ा सा थोड़े से टैक्सेस लगा दें तो मेरे ख्याल से मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ में बहुत तजाद हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आए तो हम मिफ्ता इस्माइल साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन हम गुफ्तगू कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से। मिफ्ता साहब, पीआईए का जो सारा मामला हुआ वो तो आपने खैर देखा होगा, सबने ही वो देखा। अब यू बीन वेरी क्रिटिकल सर, आपने बहुत तनकीद की गुज़िश्ता दिनों में, आपने सलीम साफ़ी साहब को भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें आप बेसिकली जो समझ आया देखने वालों को कि आप प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पर ये कह रहे थे कि वो तो चाहते ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि उनके ख्याल में द यू नो दे बिलीव इन बिग गवर्नमेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। डू यू स्टिल थिंक कि ये यू नो बाय डिज़ाइन सारा मामला हुआ द वे इट ऑल पैंड आउट? जी, मैं गुजारिश ये करूँ कि ये बिल्कुल तनकीद नहीं है शहबाज साहब की या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की। मैं मिसाल के तौर पर निजकारी में मानता हूँ, प्राइवेटाइजेशन में मानता हूँ, कुछ लोग नहीं मानते। चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी अक्सर जो है वो निजकारी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इसी तरह डार साहब और शहबाज साहब का एक तारीख है, एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर आप देखेंगे कभी भी निजकारी की तरफ नहीं आए, और शहबाज साहब तो खैर सूबे में थे मगर डार साहब को जब मौका भी मिला है और बहुत मौके मिले हैं तो कभी निजकारी की तरफ नहीं गए। तो निजकारी को ना मानना कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका निजकारी का कोई इरादा नहीं था। और जब आप देखते हैं पीछे अब हाइंडसाइट के अंदर इन चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि एक ब्लू वर्ल्ड जो कि वैसे प्री क्वालिफाई भी नहीं होती, आपने जेरी इंटरनेशनल को प्री क्वालिफाई नहीं किया लेकिन ब्लू वर्ल्ड को कर लिया, उसने कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं रखा, ना उसने सीरियसली ड्यू डिलीजेंस करी, और आखिरी दिन तक उसको आपने रहन दिया, और उसने बेचारे ने 50 करोड़ रुपये इनके कहने पर जमा करवा दी और एक 10 बिलियन की बिड दे दी ताकि ये ना लगे कि हमने सबको भगा दिया, क्योंकि जो चार वो सीरियस बायर्स थे उनको तो आपने भगा दिया, तो आपको करनी नहीं। माफ करिएगा सर, आप माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ सर, बट आप एक तरफ कह रहे हैं कि तनकीद नहीं है, वर्ल्ड व्यू की बात तो बिल्कुल सही है, हर किसी के पास ये हक है, बट सर अगर हुकूमत बार बार ये तासुर दे कि हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, हमें बार बार बताया जाए कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी आके कहें कि हम कर रहे हैं, और उसके बाद यू नो जो आप कह रहे हैं या इम्प्लाई कर रहे हैं कि फिर मगर प्रोसेस को चलाया इस तरह जाए कि हर संजीदा बायर निकल जाए उसमें से, तो सर ये तो फिर
बहुत मतलब कि दिस इज नॉट अबाउट वर्ल्ड व्यू, दिस इज, ये तो फिर ऐसी बात हुई कि आप यू नो एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करें बट मकसद आपका कोई और है। देखिए गुजारिश ये है कि इस हुकूमत को आए हुए 8 महीने हो गए, आपने पी आई ए की तो प्राइवेटाइजेशन क्योंकि वो काफ़ी आगे हो गई थी तो इस पर बात की है, आपने किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की प्राइवेटाइजेशन की बात सुनी है कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन या फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो कि बड़ी अच्छी हालत में है, क्या उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है? किसी जेनको की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई? बट जब पी आई ए नहीं प्राइवेटाइज हो रहा तो ये डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन तो बहुत एक मुश्किल काम है। नहीं देखे ना पी आई ए की प्राइवेट, देखें इस प्रोसेस को जो जिस तरह प्रोसेस है 460 दिन लगते हैं, ठीक है 460 दिन मुकम्मल करने में लगते हैं, पी आई ए की प्राइवेटाइजेशन भी आज 1.5-2 साल हो गए जब जाके ये नाकाम हुई है। आप पी आई ए की प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे लेकिन एक आदमी से तो ज़्यादा है ना प्राइवेटाइजेशन के इदारे में, पूरा कमीशन है, लोग इम्प्लॉई हैं, पूरी वजारत है, तो क्या हमने कोई वो किया है एल ओ आई दिया कंसल्टेंट ढूंढने के लिए फेस्को का या आई एस्को का काम करने पर काम शुरू किया हमने, की हवेली बहादुर शाह बिक्की या बलोकी पे कोई काम शुरू किया हमने, क्या किसी और इदारे को प्राइवेटाइज करने का काम शुरू किया? 2 दिन के लिए बात चली थी यूटिलिटी स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन की, उसके बाद वो भी खत्म। बट व्हाट इज द पॉइंट यू आर मेकिंग? सॉरी आई About privatization. जी सर, तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना सर कि ये फिर वर्ल्ड व्यू से तो ज्यादा की बात है ना, ये तो मिसगाइड करने वाली बात है। आपने खुद जब आप कह रहे हैं कि वो करना नहीं चाहते प्राइवेटाइज मगर फिर भी वो यू नो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, मगर अगर सारे प्रोसेस का मकसद ये था कि प्राइवेटाइज नहीं करना तो ये किसके लिए सारा फिर इतना तरद्दुद किया गया, टू पुट इट पोलाइटली? देखिए ये हुकूमत ऑप्टिक्स में मानती है, तो ऑप्टिक्स की कि हमने प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं वो आगे तक छोड़ के चले गए, बाकी कोई तो प्रोसेस आगे नहीं किया ना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का प्रोसेस बिल्कुल एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, राइट? इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत सारा काम फवाद हसन फवाद करके चले गए थे तो ये मजबूरी थी कि इनको इन पर बात करनी पड़ी। पाकिस्तान के बड़े तरीन लोग पेगासस एयरलाइन और टर्की की एयर अरेबिया फ्रॉम यूएई ये सब इन्वॉल्व थे इस प्राइवेटाइजेशन में, ये सब उठ के चले गए, तो कहीं ना कहीं किसी की तो गलती थी ना। अब इनको ये क्या नहीं समझ में आती है कि आपने एक बैलेंस शीट दी है जिसमें 45 अरब रुपया जो है वो वाजबात ज़्यादा हैं असासे से, और आपने जो है वो 22 अरब रुपया उसके अंदर उसके थे सिविल एविएशन के कुछ टैक्सेस थे जो कि पीआईए नहीं दे रही थी लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन देने पड़ेंगे, कि आपको ये बात नहीं पता थी जो डिफरेंट ये लोग बातें कर रहे थे कि तो इनको अगर ये सीरियस होते, मैं सीरियसली अगर ये सीरियस होते तो ये पीआईए इस साल 100 अरब रुपए के ऊपर नुकसान करेगी, तो ये हमारी जिम्मेवारी है ना। तो अगर हम 10 अरब में भी दे देते मिसाल के तौर पे 85 की जगह तो फिर भी वी वुड हैव बीन नेट नेट बेटर ऑफ, क्योंकि नहीं तो अगले साल का नुकसान तो अब हमारे ऊपर बर्दाश्त करना है। और ये जिसको आप ऊपर लेकर चले ये नजर आ जाता है ना, ये तो सीरियस ही नहीं थे, ये ब्लू वर्ल्ड वाले तो बेचारे अच्छे लोग होंगे लेकिन सीरियस नहीं थे। इनको तो मेरे ख्याल से कहा गया कि यार तुम रह जाना भाई ताकि कोई एक तो रहे ताकि हमको हमारे ऊपर इल्जाम तराशी ना हो, वरना इनका क्या सीरियसनेस था? वरना तो ये 4 महीने पहले आप किसी अखबार में देख लेती ना कि ये इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्राइवेटाइज कर रहे होते या फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को प्राइवेटाइज कर रहे होते कोई बात करते, या सुई गैस को प्राइवेटाइज कर रहे होते, इन्होंने क्या दिया है आज तक सुई गैस वालों? अगर सर अगर हम आपकी बात मान लें तो फिर मुझे ये बताएं कि ये अब कोई खर्चा हुकूमत ने कम नहीं करना, ये सब एंटिटीज लेके इनके लॉसेज लेके ही चलना है, तो IMF भी इनसे कोई इसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा? देखिए IMF दबाव डालेगा, वो दबाव आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इस हुकूमत ने तो ये याद रख लीजिए कि कोई रिफॉर्म नहीं करना है, कोई इस्लाहत नहीं करनी है, इन्होंने NFC के अंदर बात नहीं करनी, और जब तक NFC बात नहीं करेंगे मुल्क का बजट सही नहीं हो सकता, मुल्क की इक्तसादी हालत सही नहीं होगी, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं करनी है। इन्होंने जो है वो हुकूमत की फुटप्रिंट को छोटा नहीं करना है, हुकूमत की अथॉरिटी को छोटा नहीं करना है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई ना कोई कोई भी दारोमदार नहीं करना है, तो फिर आपके पास क्या रहा? आप वजारत है, आपने कहा था शुरू में कि बंद करेंगे, नहीं की। आपने कहा था पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किया। आपने कहा था कुछ वजारतों को वापस डिवॉल्व कर देंगे सूबे पे, आपने नहीं किया। आपने कहा था हम लोगों को सरप्लस पूल में लेके जाएंगे, वो नहीं किया। तो आपने किया ही किया है, और आपने ये हाँ आपने 38% टैक्स लगा दिया नौकरी पेशा लोगों पे, 49% टैक्स लगा दिया बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर। और सर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ टू पीआईए कि ये अब बस यही प्रोसेस खत्म हो जाएगा, अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बन के बैठे रहेंगे और आप कह रहे हैं कि करना कुछ भी नहीं है, व्हाट नेक्स्ट? मुझे नहीं पता, देखें कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ये कुछ ना करने का।
मतलब अगर आपको नहीं करना तो उसके भी रास्ते निकालने होते हैं, वो ना करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे, वरना आप 10 अरब रुपए में दे देते, देखते हैं क्या होता। 50 करोड़ रुपए ही मिलते, वो बेचारा भाग जाता ब्लू वर्ल्ड वाला, लेकिन 10 करोड़ रुपए आप 50 करोड़ रुपए आपको मिल जाते। मुझे ये बताइए कि इतने पैसे आपने दे दिए, आप 8 महीने से हुकूमत में थे, आपने कंसल्टेंट्स की फीस दिए, दीगर दिए, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये 4 बायर भी बड़ी मुश्किल से मिलेंगे? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये एयरलाइन 100 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर रही है और इसको जो भी लेगा उसको अगले 2 साल और नुकसान करना पड़ेगा? आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके 15 जहाज खड़े हुए हैं जमीन पर जो उड़ने के लायक नहीं? व्हाट अबाउट दी SIFC? आई थॉट कि वो सारा ये प्रोसेस लीड कर रहे हैं, तो वो भी मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो भी संजीदा नहीं है इस मामले में? मैं तो ये समझता हूँ कि SIFC को आप संजीदगी दिखाना चाहिए और ये चीज अपने हाथ में लेनी चाहिए। ये तो मतलब सच्ची बात यह है कि SIFC को बुलाना चाहिए इन लोगों को, हुकूमत की थोड़ी सी वज़राओं की शायद सुप्पी हो, लेकिन SIFC को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑफिशियली या यू नो इन प्राइवेट इन पार्टी से पूछना चाहिए कि भाई आपको क्यों भगाया गया, आपको क्यों उठ के जाना पड़ा, कि ये क्या हुकूमत वाले। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ थोड़ी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। नाम इसका मोहम्मद वली वलबाग मीर खान है। 31/12/2019 को ये पुलिस में भर्ती हुआ था। जमात उल अहरार का एक शख्स जुनेद नामी की आईडी थी, उस पर उसका राबता हुआ। इसने फिर जमात उल अहरार में शामिल होने का इरादा किया, इलाके की रेकी करवाई, उसका शमला हो गया है। इस सारे काम के इसको 2 लाख रुपए पाकिस्तान के, 100 बंदे उस पर शहीद हुए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन की। दिन ब दिन लगता तो यही है कि न सिर्फ जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं बल्कि उनकी जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा आ रहा है। कराची में पिछले दिनों में एक एयरपोर्ट के ऊपर वाक़या हुआ जहां चीनी इंजीनियर जो थे उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद एक और इसी तरह सिक्योरिटी अहलकार जो था उसने चीनी बाशिंदों पर हमला किया। और फिर पिछले दिनों में जो क्वेटा में वाकया हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया, जब क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। और अब इतलात यही हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं कि 30 तक जो शोहदा की तादाद है वो पहुंच चुकी है। आज जब बहुत पेशरफ भी हमने देखी, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में हमें बताया गया कि पिछले साल जनवरी में जो वाकया हुआ था पुलिस लाइंस में उसका जो है वो सुराग मिल गया है, जो कल्प्रिट था जिसके साथ खुदकुश हमला आवर जो है वो उस इलाके में दाखिल हुआ उसको आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया गया है। इसी के साथ साथ और भी यू नो पेशरफ्त हुई है जैसे कि कराची के वाक़े में। बट ऑब्वियसली द फैक्ट इज़ कि इन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन से ये साबित नहीं होता कि आने वाले दिनों में क्या वाक़यात कुछ कम होंगे या उनकी शिद्दत में और जो नंबर्स हैं उसमें इजाफा ही होता रहेगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीउल्लाह साहब, कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़्ज़ियाकार हैं, वो भी ये सिक्योरिटी के मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमने पिछले दिनों में ऑब्वियसली जो शिद्दत पसंद हैं बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, क्वेटा में भी वाकया हुआ, उससे पहले हमने कराची में भी होते देखा, शिद्दत में ये इजाफा जो हो रहा है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? कैपेसिटी जो है मिलिटेंट्स की वो बेहतर होती हुई आपको नज़र आ रही है या इंटेलिजेंस जो है कोई उसकी कमज़ोरी है? व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस ट्रेंड? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो वायलेंस में शिद्दत आई है उसका ताल्लुक जो बलोच इंसर्जेंट्स की अपनी कैपेसिटी और स्ट्रेटजी है उससे भी ताल्लुक है, और उसका इनडायरेक्टली ताल्लुक बलोचिस्तान के जो ओवरऑल सियासी हालात है उनसे भी है। तो सबसे पहले जो बलोच इंसर्जेंट्स की अपनी कैपेसिटी है उसमें पिछले 6-7 सालों में 2 बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। एक तब्दीली ये है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग वहाँ पे मैसिव हुई है, और वो यूँ हुई है कि जो अक्सर पढ़े लिखे मिडिल क्लास
जो इनके रैंक्स में लोग थे उन्होंने लीडरशिप पोजीशंस ले ली है, और जो अक्सर बाहर बैठे रिवायती सरदार या नवाब थे उनके कंट्रोल से वो क्यादत जो है वो इन नौजवानों ने ले ली है, और ये अक्सर ग्राउंड पे या आसपास ममालिक में बैठ के इसकी बागडोर खुद संभाल रहे हैं। तो ये एक पहली मेजर तब्दीली जो पिछले चंद सालों में बलोच इंसर्जेंट्स के अंदर इन मौसला तंजीमों के अंदर हुई है। दूसरी इसी के साथ जिसका ताल्लुक है, और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ दिस इंसर्जेंसी, वो है बड़ी तादाद में सस्टेनेबल अंदाज में खुदकश हमलावर और खुदकश हमले करना। आई थिंक ये इससे पहले हमने बाकी जो रिलीजियस या जो सम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन से इंस्पायर होते थे उस तरह की वायलेंस में तो खुदकश हमले हमने देखे थे, लेकिन एक सीमिंगली सेक्युलर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में खुदकश हमले बड़े कम रहे हैं। तमिल टाइगर्स में कुछ मिसालें थी, बट ओवरऑल दुनिया में भी इसकी बहुत कम मिसालें हैं, और बलोच तहरीक के जो माजी में भी इंसर्जेंसी थी उसमें भी इसकी बड़ी कम मिसालें हैं। व्हाट हैज चेंज्ड इन द पास्ट 3-5 years के तकरीबन जितने हमले हुए हैं पिछले 3-4 साल में उनमें बहुत बड़ी तादाद में खुदकश हमलावर मौजूद थे, और खुदकश हमलावर होने की वजह से जो रियासत की रिवायती काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज है वो काफी मुश्किल में रही है, क्योंकि खुदकश हमलों को रिवायती तरीकों से रोकना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये दो बड़ी वाजे तब्दीलियां मुझे नजर आती है। बिल्कुल सही मुश्ताक साहब। सर आप ने सुनी काकड़ साहब ने ऑब्वियसली बलूचिस्तान के हवाले से बात की, बट सर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो शिद्दत पसंदी है, जो ये तशद्दुद है, ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या यहाँ भी आपको कोई तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं इन द वे द मिलिटेंट्स ऑपरेट, या बस वही बात जो रियासत भी हमें बार बार बताती रहती है कि क्योंकि अब वो मुल्क में वापस आ गए हैं और काबुल में हुकूमत तब्दील हो गई है इसलिए जो यहाँ अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं? जी मेरे ख्याल में ये जो मिलिटेंट्स तंजीमें हैं उन्होंने 20 पहले जो जंग यहाँ पे वो लड़े हैं और लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और हमसे ज्यादा उन्होंने सीखा है। और आपने देखा होगा कि वो जहाँ जहाँ हमारी कमजोरियाँ होती हैं और जहाँ पे हमारी फोकस बहुत कम होती है, कि ये जो मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, ये पिशावर पुलिस लाइन आप देखें कि ये रेड जोन का इलाका है और यहाँ पे अमूमन बहुत कम लोग उनको एक्सेस होती हैं इन इलाकों में, आम लोग होते हैं, तो क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सिक्योरिटी चेक होती है, चेक पॉइंट लगे होते हैं। तो ये जो तंजीमें हैं ये अभी उन्होंने जो नई स्ट्रेटजी अडाप्ट किया हुई है कि फोर्सेस के अंदर उन्होंने सिंपथाइजर लैंड किए हैं, लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया है, कि ये बहुत खतरनाक बात है। और ये जो आज आई जी खैबर पख्तूनख्वा अख्तरयात गंडापुर ने कहा कि जो पुलिस लाइन के ऊपर खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 83 के करीब लोग शहीद हुए थे और ज्यादातर उसमें पुलिस वाले थे, तो आप देखें कि उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये उसमें पुलिस वाला खुद इन्वॉल्व था और ये फैसिलिटेटर था, ये अफगानिस्तान भी गया था और ये मिलिटेंट। मुश्ताक साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर ये सर कोई इतना नया, अगर मैं आप इजाजत दे तो कहूँ कि कोई इतनी नई बात तो नहीं है सर, जो जनरल मुशर्रफ साहब पे अटैक्स हुए थे आज से कितने साल पहले, तो बाद में हमें यही बताया गया था कि दोनों अटैक्स में इनसाइड हेल्प इंफॉर्मेशन जो थी वो शामिल थी, तो अगर आज ये एक पुलिस वाले के बारे में हमें मालूम होता है तो ये क्या कोई हम कह सकते हैं कि नई चीज है? नई चीज इस तरह है कि इन्होंने हमारी कमजोरियों से फायदा उठाया है, और अमूमन यहाँ पे ये एक तरीकेकार होता है कि जो पुलिस जिन्होंने वर्दी पहनी होती है या उनके पास नई गाड़ी होती है, तो ये जो हमारे पुलिस वाले हैं तो इनकी ज्यादा उनकी चेकिंग नहीं करते, ये इनको जाने देते हैं, तो फौज क्या ही नहीं होता। मैंने देखा है कि मैं तो गुज़श्ता 24 साल से कवर कर रहा हूँ, लेकिन फौजी जो है मिलिट्री वाले वो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वो जो उनकी एसओपीज है उनको फॉलो करते हैं। पुलिस जो हमारी है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, तो इतना ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते। और देखिए हमारी जो लापरवाही है इन चीजों के मुताल्लिक कि अपने लोग वर्दी वाले हैं उनको जाने दें, तो इससे इतनी बड़ी तबाही हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी जंग है जिसमें बहुत ज्यादा
नुकसान हुआ है सिक्योरिटी इदारों का, आवाम का। अभी तक हम ढाक किस्म भी चल रहे हैं, अभी तक हमने सीखा नहीं है कि ये मिलिटेंट्स हमारी कमजोरियों से कहाँ क्या फायदा उठा सकते हैं। और अभी चूंकि ये जो नया अभी आपने कहा कि राइज है, तो ये राइज नहीं है, मेरे ख्याल में ये लोग खत्म ही नहीं हुए थे। ये तो हम खुश फेमी में बताते थे कि हमने उनकी कमर तोड़ी है, ये खत्म हो गए हैं। हालांकि उस जमाने में जब ये दावे कर रहे थे कि खत्म हो गए हैं, कमर तोड़ी है, तो उन दो सालों में अमेरिकन विड्रॉल से पहले टीटीपी की सबसे ज्यादा जो फोकस थी वो इक्विपमेंट पे थी और वो असलहा खरीदने पे थी, और वो असलहा जो उन्होंने अफगान फोर्सों से खरीदा था आज वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। नाज़रीन हम गुफ्तगू करें रफीउल्लाह काकड़ साहब से और मुश्ताक यूसुफ ज़ई साहब से, और हम उनसे बात करें ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में। काकड़ साहब, ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कुछ बहुत वाज़े फ़र्क भी हैं, हम बार बार ये बात करते हैं। अब बलोचिस्तान में क्या, व्हाट नीड्स टू बी द प्रायोरिटी, पॉलिटिकल प्रोसेस या जैसे आपने कहा कि यू नो जो मिलिटेंट्स हैं वो भी बहुत तब्दील हो गए हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी भी तब्दील होनी चाहिए, बट फोकस किस पे करना चाहिए रियासत को इसमें, क्योंकि आपने खुद पॉलिटिकल प्रोसेस का जिक्र किया था शुरू में। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से पहले तो बदकिस्मती से हम इस कॉन्फ्लिक्ट में एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं बलूचिस्तान में, मेरा खदशा ये है कि हम तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब पहुंच गए या पहुंचने वाले, जिसका मतलब है कि कोई इजी पॉलिटिकल सॉल्यूशंस भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड मुझे ये समझ आती है कि चूंकि बलोच इंसर्जेंसी उसका एक रिलेटिवली सेक्युलर कैरेक्टर है, और उसके बावजूद अगर वो इतनी बड़ी तादाद में खुदकश हमलावर मोबालाइज कर सकती है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो उनका नैरेटिव है वो आम लोगों में उसकी मकबूलियत है, तो जाके इनको इतने बड़ी तादाद में खुदकश हमलावर मिल रहे हैं। मेरे नज़दीक इससे मुझे ये बात समझ आती है कि इसका मुकाबला सिर्फ आप सिक्योरिटी सेंट्रिक मेजर से नहीं कर सकते। नाउ द चैलेंज इज कि सिक्योरिटी सेंट्रिक मेजर से भी अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, और वैसे भी पिछले दो दिहाई जो पॉलिसी रही है वो सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसी ही रही है, एंड इट हैज क्लियरली फेल्ड। ना तो इसने बलूचिस्तान में अमन दिया है और ना ही तरक्की दी है, जबकि सियासी सॉल्यूशंस भी कोई आराम से कोई इजी सॉल्यूशंस नहीं है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड हमें सिक्योरिटी उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की कैपेसिटी स्ट्रेंथन करने के साथ साथ, जब तक हम सियासी हल ना निकाले और जो अंडरलाइंग ग्रीवेंस है जिसकी बुनियाद पे बलोच इंसर्जेंट्स को विलिंग फुट सोल्जर्स मिलते हैं, जो खुदकश हमले जैसे एक्सट्रीम एक्ट के लिए तैयार होते हैं, उस ग्रीवेंस को जब तक हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में एक कॉम्प्रिहेंसिव सियासी स्ट्रेटजी के थ्रू एड्रेस ना करें, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स अलोन इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए सफिशेंट नहीं होंगे। बिल्कुल सही जी। मुश्ताक साहब, सर केपी में तो तजुर्बा भी है, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि एक दफ़े कुछ हद तक क्लियर भी कर लिया, ठीक है शायद उस वक्त यू नो हमने मिशन अकम्प्लिश बहुत पहले बहुत जल्दी में अनाउंस कर दिया, बट कामयाबियां भी हुई, बट इस दफ़े तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, लगता है कि दे आर नॉट गेटिंग द ग्रिप ऑन इट, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? असल में एक क्लियरिटी नहीं है। एक तो ये है कि हमारे वहम को मान में भी नहीं था कि ये जो हमारे जनूबी अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, क्या इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी। हालांकि ये एक दो दिन में नहीं हुआ है, ये काफी अरसे से लोग आ रहे थे अफगानिस्तान से और वो मुख्तलिफ इलाकों में उनकी प्रेजेंस थी, छोटे मोटे हमले करते थे, लेकिन उस वक्त जिस तरह स्वात में और मलकन बाकी इलाकों में हमने बहुत देर कर दी थी मामलात को हैंडल करने में, इस तरह हमने देर कर दी। ये जो मामलात थे जरबेजब के बाद बन्नू में, शुमाली वजरिस्तान में, जनूबी वजरिस्तान, फिर नीचे टांग और इवन रेसमल खान तक, तो अब सूरत हाल काफी गंभीर हो चुकी है, और ये आप देख रहे हैं कि ज्यादा कैजुअलिटीज रेसमल खान में हो रही हैं, टांग में हो रही हैं, बन्नू और फिर शुमाली वजरिस्तान और जनूबी वजरिस्तान।
तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन उन मिलिट्री ऑपरेशन के जो समारात थे मेरे ख्याल में हमने जाये किए, और उसकी वजह ये थी कि जो सिविल इंतजामिया था मर्जर के बाद हमने उनको स्ट्रेंथन नहीं किया, पुलिसिंग का वहां पर कोई निजाम पहले भी नहीं था अभी नहीं है, तो इसलिए प्रायोरिटीज कुछ और है, और जो सबसे कमजोर ऑफिसर्स होते हैं में, सर, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जैसे पहला मसला तो फिर थ्रेट परसेप्शन का है, संजीदगी से लिया ही नहीं जा रहा है इस मसले को। जो मुकामी आबादी है इस वक्त उनको सबसे बड़ा जो गिल्ला है वो भी इस वक्त यही है कि उनको बिल्कुल हुकूमत ने इग्नोर किया है, और जब इनके ऊपर हमला होता है तो हरकत में आ जाते हैं, कुछ वहाँ पे छोटे मोटे कार्रवाइयाँ हो जाती है, लेकिन शाम के बाद तो वहाँ पे बिल्कुल हुकूमत की लट खत्म हो जाती है इन इलाकों में, जो बन्नू के अतराफ हैं, देस महल खान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं काफी ज्यादा टांग, तो इन इलाकों में तो बिल्कुल बेसिकली जी बिल्कुल, तो इसलिए इस वक्त तो काफी लोगों ने इसको रियलाइज किया है और एक्सेप्ट किया है कि बस हमने इन हालात में रहना है, अपने आप को बचाने हैं, जिन लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वो इलाकों से निकल चुके हैं, पेशावर आ चुके हैं, इस्लामाबाद आ चुके हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं वहाँ पे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरन उन इलाकों में रह रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, टुमारो एट द सेम टाइम।